गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग लास्ट की क्लास में प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो वीडियोज़ पढ़े थे, जिसमें मैंने सामान्य नियम और विशेष नियम बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विशेष नियम। ऐसे कुछ विशेष नियम हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान अविरल काल, अर्थात जो कार्य लगातार चल रहा होता है। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। जैसे पहला नियम हमारा कहता है, इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। अर्थात ऐसे कोई कार्य या ऐसा कोई वाक्य जो बोलते हुए जारी रहे, अर्थात जो कार्य जारी रहने का भाव दर्शाते हैं, वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार समझिएगा, इस टेंस का प्रयोग कार्य व्यापार के लिए प्रयोग होता है जो बोलते वक्त जारी हो। अर्थात फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे शी इज़ प्लेइंग इन द रूम, शी इज़ प्लेइंग इन द रूम, वह कमरे में खेल रही है। यहाँ पर शी इज़ प्लेइंग इन द रूम क्या दर्शाता है कि वह खेल रही है, अर्थात वो कमरे में अभी भी खेल रही है और यह एक्शन जारी है, ये अभी भी चल रहा है, यह कार्य अभी भी जारी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भी कार्य व्यापार जो भी चीज़ें हैं, अर्थात लगातार रूप से जारी रहने का बोध कराती हैं, वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, वे टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है ना, इसको समझिएगा। कुछ और एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। यहाँ पर टेंस हमारा ये सेंटेंस या ये टेंस दर्शाता है कि कार्य जारी है, अर्थात वो गीत गा रहा है, उसका गीत गाना भी जारी है। तो मैं भी बताऊंगा आपको सिंपल, जब सेंटेंस बताऊंगा आपको, जब मैं बताऊंगा आपको कि इसके साधारण नियम क्या हैं, अर्थात मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया है साधारण नियम में किसकी पहचान कैसे करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, या इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो आज विशेष वीडियो है, इसलिए हम लोग विशेष विशेष नियम की चर्चा करेंगे आज हम लोग। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, मैं अब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं अब एक समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कार्य जारी रहने का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है, माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग। ये आप लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं स्पोकन क्लास के तौर पर भी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया हूँ जो हम लोग ऑर्डिनरली लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इसका अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने में भी प्रयोग होता है जो तत्काल नहीं हो रहा है, इसी क्षण यानी बोलते वक्त नहीं हो रहा है, परंतु अभीष्ट समय के आसपास या उन दिनों हो रहा है। ठीक है ना, इन दिनों हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इन दिनों चल रहा है, ऐसा भाव अगर पाया जाता है तब पर भी हम लोग उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट एसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, इसी क्षण तो प्रयोग नहीं हो रहा है, परंतु अभीष्ट समय के आसपास या इन दिनों हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, वो आजकल गणित पढ़ रहा है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि बस इसी वक्त गणित पढ़ रहा है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन दिनों वह गणित पढ़ रहा है। इसको हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, वह आजकल गणित पढ़ रहा है। यहाँ पर बोलते वक्त नहीं, परंतु आजकल अबाउट दिस टाइम का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है, अबाउट दिस टाइम का बोध हो रहा है। इसको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम रीडिंग हैमलेट बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट। ठीक है ना, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग हैमलेट, मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ,
हैमलेट पढ़ना का, हैमलेट कोई दो लाइन की पोएम तो है नहीं, कोई दो लाइन का स्टोरी तो है नहीं, कोई दो लाइन का ड्रामा तो है नहीं, हैमलेट कोई दो लाइन का तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है ये, विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसके लिए काफ़ी लंबा वक्त से ये, तो आप कह सकते हैं कि मैं इन दिनों हैमलेट पढ़ रहा हूँ या मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ का भाव अगर निकल रहा है तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इन दिनों मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसी वक्त नहीं लेकिन इन दिनों मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई बोल रहा है आई एम रीडिंग हैमलेट, मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैमलेट पढ़ रहा हूँ अभी से नहीं बल्कि कई दिनों से हैमलेट पढ़ रहा हूँ मैं, हैमलेट एक प्ले है, ड्रामा है विलियम शेक्सपियर जी का। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगला नियम कहता है, तीसरा रूल है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना या योजना का बोध कराने के लिए भी प्रयोग होता है। याद रहेगा इस टेंस का प्रयोग भविष्य काल में होने वाले कार्यक्रम या निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं, परंतु इस आशय के लिए वैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इस टेंस का आशय के लिए याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, टुमारो, नेक्स्ट वीक, टुनाइट, ओ क्लॉक, इवनिंग, ये सब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, इनका प्रयोग करना आवश्यक होता है, इनसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, ठीक है इनसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, यहाँ पर आपको देख करके लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और है भी, लेकिन यहाँ पर भाव कैसा स्पष्ट हो रहा है, फ्यूचर का भाव स्पष्ट हो रहा है। मैंने टेंस की शुरुआत में जब मैंने टाइम और टेंस में अंतर बताया था तो मैंने बताया था टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि टेंस और टाइम इसलिए अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि वो टेंस रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन भाव दर्शाएगा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। टेंस को देख करके लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि शर्त है उसकी, इस एम आर का प्रयोग किया गया और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया और रहा रही रहे का भाव आ रहा है, लेकिन टुमारो क्या दर्शा रहा है, टुमारो शब्द जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये फ्यूचर टेंस की बात करता है, तो इस टेंस का भाव फ्यूचर में जा रहा है लेकिन यह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसके लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर का भाव दर्शा रहा है, एन आर और बाइंग दर्शा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम एक कार खरीद रहे हैं। शी इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रही है, शी इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रही है। उसी प्रकार से आई एम लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, आज रात को मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। द चीफ मिनिस्टर इज़ लैंडिंग एट 8 o'clock, चीफ मिनिस्टर 8 o'clock लैंड कर रहे हैं। या फिर शी इज़ डांसिंग दिस इवनिंग, वह आज की शाम को डांस कर रही है, फ्यूचर टेंस का भाव दर्शाते हैं, लेकिन ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा, टफ नहीं है, है बहुत इजी, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर ओन माइंड्स टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, यू नो दीज आर द वीडियोस, दीज आर द क्लासेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस अप टू 6 to 12 और मोर देन द अपर क्लासेस, द हायर क्लासेस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, एट्सेट्रा, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना टेंस और सेंटेंस के ज्ञान के हम वॉइस और नरेशन या फिर ग्रामर के बारे में कल्पना या ट्रांसलेशन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर, चौथा नियम कहता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विशेष नियम के तहत आता है। इसका सामान्य नियम का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं प्ले लिस्ट में उसको डाल देता हूँ, वीडियो के लिंक में, वीडियो के लास्ट में जो डिस्प्ले आइकॉन आएगा या इंड स्क्रीन आएगा उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसके माध्यम से आप लास्ट की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जितने भी अभी तक मैंने क्लास लिया है ग्रामर का या फिर एकेडमिक और अन एकेडमिक क्लासेस, उन सब का आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं, ऑल वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट रूल है, इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे या इंटेंशन या संभावना का भी बोध कराने के लिए होता है। याद रहेगा
इस टेंस का प्रयोग इरादा का बोध कराने के लिए या संभावना का बोध कराने के लिए होता है। इरादा को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, संभावना को इंग्लिश में बोलते हैं लाइकलीवुड। ठीक है, इन दोनों का भाव इरादा और संभावना का भाव का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं और इसे फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। याद रहेगा, इससे फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। एग्जांपल के द्वारा समझिएगा, आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ, मतलब मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, ये भविष्य काल की बात कर रहा है लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। आप इसको यूजुअल लाइफ में भी प्रयोग कर सकते हैं बोलचाल के लिए, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, वी आर गोइंग टू प्ले द मैच। ये सभी एग्जांपल्स आपके वो सेंटेंसेस हैं जो हम लोग रेगुलर लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो टेंस की मदद से। कुछ विशेष नोट्स में मैंने दे दिया है, जैसे नोट में लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, वो कौन कौन सी वर्ब हैं, इनको आपको लर्न करना है। ये ऐसा नियम है, चौथा नियम, जो अक्सर कंपटीशन में पूछ लेता है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको बेनिफिट उठाते रहें। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनती है, आइए जानते हैं। जैसे पहला नंबर है वर्ब ऑफ परसेप्शन, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील और टेस्ट। ये ऐसी वर्ब हैं जिनमें हमने आईएनजी लगा करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाना होता है। याद रखिएगा, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील और टेस्ट। उसी प्रकार से वर्ब्स ऑफ अपियरिंग, जैसे अपियर होना, लुक होना और सीम। इसमें भी हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, उसको याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है। उसी प्रकार से सी नंबर में है वर्ब ऑफ इमोशंस, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग। ठीक है ना, तो वर्ब ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग, ये कौन कौन से वर्ब इसमें आते हैं, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डाउट, बिलीव, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, नहीं और ऊपर भी है, डिसबिलीव, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, और भी है, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन और माइंड। ये ऐसे वर्ड हैं, इनको आपको लर्न कर सकते हो या समझ सकते हो। ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में एनजी लगा करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब के रूप में यूज़ नहीं करना होता है। उसी प्रकार से डी नंबर है वर्ब डिनोटिंग पोजेशंस, जैसे हैव, ओन, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ और बिलोंग टू। ये ऐसी वर्ब हैं जिनमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके टेंस को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, अर्थात इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको आपको लर्न करना है। एग्जांपल कुछ देखते हैं, इसका एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे इधर हमने इनकरेक्ट दे रखा है, इधर हमने करेक्ट दे रखा है। जैसे ही इज़ नोइंग मी वेल, ये नहीं होता। हमने कहा था कि नो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो इसको क्या होगा, ही नोज़ मी वेल, ही इज़ नोइंग मी वेल नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, ही नोज़ मी वेल। उसी प्रकार से आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं होता, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू गलत है, आई स्टैंड यू करेक्ट है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, आई एम फीलिंग, फील में एनजी नहीं लगता है, बल्कि आई फील दैट यू आर करेक्ट, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इसको भी आपको याद रखना है, स्पोकन में आपको ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने हैं जिससे आपको
हंसी का पात्र बनाया जाए। ग्रामर का भी विशेष ध्यान रखना होता है, जो आप रेगुलर यूज़ करते रहोगे तो आपको ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ग्रामर मिस्टेक का इंग्लिश स्पोकन में कोई महत्व नहीं होता है, आई से यू ग्रामर का विशेष महत्व होता है स्पोकन में। स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप किसी के बीच पहुँच गए और क्लियर और स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना है तो आपको ग्रामर को भी लेके चलना होता है। तो जैसे आप लोग कहीं बोलते हैं आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, तो द पर्सन हु आर नोइंग इंग्लिश वेल दे विल फील दैट यू आर इन लर्निंग पीरियड, तो आपको हल्के में ले लेंगे। इसलिए हमको रूल्स को फॉलो करते हुए इंग्लिश बोलना है। आई फील दैट यू आर करेक्ट, उसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है आई एम बिलीविंग इट, आई एम बिलीविंग इट नहीं बल्कि आई बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूँ इस पर। जैसे ही इज ओनिंग अ कार, ही इज ओनिंग अ कार नहीं बल्कि ही ओन्स अ कार, वह एक कार का मालिक है, ही इज ओन्स अ कार। यू जैसे ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ नहीं होता है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ। उसी प्रकार से शी इज हैविंग गुड हाउस नहीं, शी हैज़ अ गुड हाउस होता है। उसी प्रकार से आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग नहीं होता है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, स्मेलिंग नहीं बल्कि स्मेल होता है। उसी प्रकार कुछ अन्य एग्जांपल्स भी नीचे दिए गए हैं, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है व्हाई इज शी अपीयरिंग सो सैड, वह इतना दुखी क्यों प्रतीत होती है, तो अपीयरिंग नहीं बल्कि व्हाई डज शी अपीयर सो सैड, अपीयरिंग नहीं बल्कि अपीयर होता है। इसको भी मैंने भी बताया था पिछले पेज पे, पिछले यू नो स्लाइड में बताया था। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, दिस बुक इज belonging to me, belonging नहीं बल्कि belongs होता है, this book belongs to me हो जाएगा। उसी प्रकार से है, next है the pot is containing milk, the pot means बर्तन कह सकते हैं, the pot is containing milk नहीं, containing नहीं बल्कि contains होता है, तो हो जाएगा the pot contains milk। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पढ़ा guys कि कैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, हमने जाना कि कौन कौन से ऐसी वर्ब हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को 2 से 3 बार उसको रिप्ले करके देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार की कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।